मुझे ना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। इसमें लाइफ नहीं जाती है ना, जाती है इसको जैसे सब जगह भेज दो उसको, जाती है नहीं जाती। हाँ कर दो, अब उसमें चली जाती, कहाँ कहाँ जाती है सब जगह। फेसबुक पर डाल देंगे तो जो करेगा। हरे कृष्णा हरे बोल। आज हम लोगों का जल्दी करो, कर रहे हो हरी बोल हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हम सबके सब भगवत कीर्तन और भगवत कथा के लिए हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में सब चीज आसानी से मिलती है, लेकिन जगत में दो चीज बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। कहते तो वो दो चीज क्या है, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते भक्तों का संग और भगवान की कथा, कहते ये दो चीज बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। कहते सूत दार और बीत ये पापी को भी होए। रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार ये एक दुष्ट व्यक्ति को पास में भी हुआ करता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। शंकर जी पार्वती को भी यही बात कहते हैं, वो कहते हैं सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बरा। हे पार्वती, जगत में अगर ये सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य आध तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर थोड़ी समय अगर जीवन में हमें वैष्णव का संग भगवान की कथा मिल जाए, कद जीवन का सारे दुख कष्ट को ये हरण कर लेती है। इसलिए एक समय श्री चतुसन, नाम सुने हो चतुसन की, ये ब्रह्मा की मानस पुत्र है, सृष्टि का पहला ही है। एक समय चतुसन श्री पृथु महाराज जी को घर में आई। पृथु महाराज कौन है, बोलिए भगवान का सत्यावेश अवतार। इसलिए जब इनको घर में आए, भगवान स्वयं ठाकुर जी हमें सत्संग की महिमा हमें पता नहीं, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं बोले तुलया लबे नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिष्य। भगवान कहते हैं अगर जीवन में हमें एक मुहूर्त सत्संग मिल जाए, बोले एक मुहूर्त कितना, बोले एक सेकंड हो गया, बोले एक सेकंड को 11 भाग कर लो, एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का जो एकमा भाग को एक लब कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर जीवन में साधु संग मिले, वो साधु संग में इतने बड़ी चीज जीव को प्राप्त होती है, बोले जिसको साथ में स्वर्ग का सुख। स्वर्ग का सुख कितना जानते हो, जैसे इसी जगत में ये मरते जगत में जितने सुख है उसको जगत ऊपर में मरते उसको ऊपर में स्वर्ग लोग में 100 गुण ज्यादा आनंद है। बोले 100 गुण में वहां स्वर्ग में जितना आनंद है, वो मोहलोक में उससे 100 गुण ज्यादा आनंद है। मोहलोक में जितना आनंद है उसमें तपोलोक में 100 गुण आनंद है। बोले तपोलोक में जितने आनंद है उससे 100 गुण ब्रह्मश्री ब्रह्मा जी जहां पर रहते हैं वहां। बोले ब्रह्मा जी को वहां जितने सत्यलोक में आनंद है उससे
कई करोड़ों गुण ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में, इतना आनंद है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं ये दुनिया में जितने सारे आनंद है, स्वर्ग लोग से लेकर के मर्त्य लोग से लेकर के ब्रह्म लोग तक जितना आनंद है, लेकिन ये कहते हैं कि तराजू ले लो, तराजू का एक तरफ में साधु संघ का एक जो लव का फल को रख लो, और दूसरे तरफ में ये मर्त्य जगत से लेकर स्वर्ग लोग को लेकर के ब्रह्म लोग तक जितना आनंद अगर तराजू में एक तरफ में रख लोगे तो बोले साधु संघ की महिमा इतना है, ये सब को मिला करके भी उसका एक बूंद को साथ में भी बराबर नहीं कर सकते, इतने साधु संघ में आनंद और साधु संघ की इतने महिमा है। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिनो सुलभ ना हो, इसलिए बड़े भाग्य से साधु संघ की संघ मिलता है। हम एकादशी स्कंद से कुछ कथा सुनते हैं साधु संघ की कितना महिमा है। बोले एक समय द्वारका में भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव बलराम प्रभु स्वयं सबके सबके 16,108 पटरानी सब मिलकर के यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ, विश्व में शांति हो। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ होती है जब तक उसका पूर्णाहुति नहीं हो बीच में वो यज्ञ बंद नहीं करनी चाहिए, नियम है। लेकिन जब यज्ञ हो रही थी अभी बीच में ही यज्ञ का बीच में, इतने में देखा एक ज्योति को उतरते हुए, लोग देखने लग गए भैया ज्योति क्या है। धीरे धीरे ज्योति जब नीचे आया लगा कोई एक इंसान है, लेकिन वो ज्योति जब नीचे आ गया बोले इंसान नहीं वो श्री नारद जी। जब नारद जी को देख लिया, नारद जी आ गए, वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का कोई फल जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में आ गए। अभी यज्ञ के लिए जितने वहां पर हवन सामग्री फूल दीप धूप जितने सब संग्रह किया था, जिस सिंहासन में कृष्ण स्वयं बैठते हैं वो सिंहासन में नारद जी को बैठा दिए, और श्री वसुदेव महाराज देवकी कृष्ण बलराम उनके सब महिषियां उनकी चरणों को नीचे बैठी गई, भगवान उनकी चरण धोए, चरणामृत पिया, उनके चरणामृत को पूरा द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए, हमारा देश का कल्याण हो, हमारे देश का उद्धार हो, हमारे देश का उद्धार हो। तो उनका चरण में सबके सब बैठ करके तब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य देहम देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वो कह रहे हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मम, कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है जो कि 84,000 ब्रह्म के ये नर तनु दही है, जिसको भगवान कहते हैं बड़े भाग मा नु सतन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। इसलिए भगवान कहते जो मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब इस जगत का पुण्य कर्म करके आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं करके फिर मानव बन सकते हो, वहां पर ऐसे कोई कर्म नहीं। इसलिए कहते देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ। बोले कहां पर, क्या विदेश में, बोले नहीं भारत में। बोले कौन सा परिवार में, बोले हिंदू घर में जन्म लेना बड़े भाग्य से किसको ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्मम, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरम, ये मानव शरीर तो दुर्लभ है लेकिन कमल दल जल जीवन ढल वाला, जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो वो किसी समय भी गिर सकता है, ये जीवन भी वैसे ठीक है। किस समय ये शरीर छूटेगा, कोई किसको पास में कोई गार्ड नहीं, इतना साल तक हम रह सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को बोले कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। प्रहलाद को बच्चों ने कहा प्रहलाद ये 5 साल उम्र से क्यों भक्ति करे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद ने कहा कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में, अब रोज रोज न्यूज पेपर पढ़ो कैसे कैसे लोग मर रहे हैं किसी तरह से। बोले कोई गारंटी रखा हुआ तुम्हारे पास में, बोले
अगर इसी जीवन में नहीं होगा अगले जीवन में करेंगे। बोले नहीं, ये जो मानव शरीर दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जीवन भगवान बारंबार नहीं देते हैं, हैं? ये 84 इसलिए भगवान राम कह रहे हैं। बोले देत ईस बिनो हेतु सनेही। अगर कोई बोले अरे हमने बड़े बड़े पुण्य कर्म किया था ना, तभी तो हमें ये मानव शरीर मिला। भगवान कहते तेरी कोई पुण्य से नहीं मिला जीवन, तुम्हारे पुण्य से कोई मानव शरीर तुम्हारे पुण्य से नहीं मिला। बोले कैसे? बोले देत ईस बिनो हेतु सनेही, ईश्वर ने कैसे स्नेह करके ये मानव शरीर दे दिया। देखो भगवान, देखो जैसे एक ग्लास पानी है, हैं? जैसे एक ग्लास पानी, एक कपड़ा लगा पोछ लो, एक ग्लास पानी है, कहते एक ग्लास पानी को अंदर में कहते इसमें इतने बैक्टीरिया है, इतने बैक्टीरिया है, ये पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं होगा। अब मानते हो कि नहीं? बोलो ये मानते कि नहीं? एक ग्लास पानी को अंदर में इतने बैक्टीरिया है, हैं? अब मशीनी से देखोगे ना, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं होंगे। इसलिए इतने इसमें इतने बैक्टीरिया इसके अंदर में, मतलब जगत में इतने जीव, जैसे कहते धूल कणा को जैसे आप गिन नहीं सकते हो ना, इंसान को वैसे नहीं गिन सकते, भगवान खुद कह रहे हैं। उसी हिसाब से इंसान जन्म कुछ भी नहीं, इंसान कुछ भी नहीं। इसलिए बोले देत ईस बिनो हेतु सनेही, समझो ठाकुर जी कैसे स्नेह करके कैसे ये मानव शरीर तुम्हें दे दिया, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, हैं? इसलिए कहते दुर्लभ मनुष्य जन्मम लेकिन देही नाम क्षण भंगुरम लेकिन तथापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ किया, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उसमें जो साधु दर्शन है, जो भक्तों का दर्शन, उससे ज्यादा दुर्लभ है। ये मानव शरीर जितना दुर्लभ है उससे ज्यादा दुर्लभ है जीवन में भक्त संग मिल जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। किसी सौभाग्यवान जीव को जीवन में साधु दर्शन मिलता है, संत दर्शन मिलता है। आप हनुमान जी का नाम सुने हो, सब जानते हो ना हनुमान को। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे माता सीता को ढूंढते ढूंढते, और ढूंढ रहे थे कहीं मैया सीता मिल नहीं रहा था, हटात तुलसी की बाग देख कर उतरे और देखा सामने लिखा हुआ श्री राम। बोले भैया लंका में श्री राम का नाम कहाँ से आ गया, यहाँ तक नरभकी राक्षस लोग रहते हैं, ये मेरे प्रभु का नाम कैसे आ गया, हैं? प्रभु का नाम कैसे राम, श्री राम? किसी ने जाकर के रावण को चुगली कर दिया। बोले तू तो रावण को राम को शत्रु मानते हो, लेकिन तेरे घर में तो सबसे राम का सबसे बड़ा भक्त तेरे घर में। बोले कौन? बोले तेरे सगे भैया। बोले कैसे बोल रहे हो? बोले जाकर देख घर के सामने क्या लिखा हुआ, रावण भक्त भक्त आया, देखा सचमुच लिखा हुआ श्री राम। बोले ए विभीषण तू मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया? बोले कैसे, कहां पर? बोले ये क्या लिखा हुआ श्री राम। बोले कहां श्री राम, मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना, इसलिए नाम लिखा। बोले कैसे? बोले आपका नाम क्या? बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या? बोले राम। बोले पत्नी का नाम मंदोदरी, पहला अक्षर क्या? म। बोले श्री राम, श्री रावण और मंदोदरी, बात तो घुस हो गया। देखो इस मतलब विभीषण शिक्षा देता है, अगर जगत में भजन करना है ना, भजन करने वालों को कैसे भक्ति करनी चाहिए। अब देखना कोई शराब पिए, जुआ खेले, गंदा काम करना, दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बेटा जितने उल्टा पुल्टा कर रहा है कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गले में कोई कंठी पहन ले, तिलक लगा दे, तो भजन। बोलिए कोई उम्र तेरा हो गया भजन करने का, तेरे कोई उम्र है भक्ति करने का, अभी से तिलक कंठी माला किया तुमने पहन लिया, लेकिन शराब पीने का उम्र है, उसको सिगरेट फूकने का उम्र है, गंजा पीने का उम्र है, लेकिन भक्ति करने का उम्र नहीं। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, हैं? इसलिए जब श्री हनुमान जी अभी सोच रहे हैं भैया हो ना हो, मेरे को तो भ्रमित करने के लिए कोई राम का नाम नहीं लिखवा दिया, ये तुलसी पौधा कोई तो कोई सृष्टि नहीं कर दिया। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर में प्रवेश किया, देखा विभीषण के रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम। बोले भैया ये तो राम का पक्का भगत है, क्योंकि कपट व्यक्ति की रोम रोम से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता है।
जो प्रेमी की जो रसीक है उसी की ही रोम रोम से प्रभु का नाम निकल सकता है। हनुमान जी बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, फिर हनुमान घर और श्री विभीषण का मिलन हुई। जब मिलन हुई तब विभीषण कहता है, आज मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मैं अनुग्रह किनी तो मई तरस अठे दिन। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था ये रावण का लंकापुरी का बीच में कभी भगवान की सबसे प्यारे भक्त हनुमान के दर्शन होगा। इसका मतलब है मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा, और इसका मतलब है जल्दी से जल्दी प्रभु हमें मिलने वाले, जल्दी से जल्दी। इसलिए यहाँ पर श्री है, यहाँ पर वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। मतलब है ये मानव शरीर का जितना दुर्लभ था उससे भी दुर्लभ है जीवन में शुद्ध भक्तों का दर्शन मिला। अगर जीवन में शुद्ध भक्तों का दर्शन मिल गया, शास्त्र कहता है सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। जो डायरेक्ट भगवान की पूजा सेवा कर रहे हैं, शास्त्र कहता है मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ तो भगवान को पा सकते हो, लेकिन जो भक्तों का दर्शन कर ले, भक्त संग मिल गए, बोले नी संशय च अत्र, उसमें कोई संशय नहीं, भगवत प्राप्ति को कोई संशय नहीं। इसलिए यहाँ पर नारद जी आने पर यज्ञ बंद करवा दिया उन्होंने, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों, यज्ञ का नाम क्या था? बोलो क्या यज्ञ का नाम था? विश्व शांति महायज्ञ। विश्व में शांति कैसे हो? बोले भाई शांति कब होगा, जीवन में हमें शांति कैसे मिलेगा? कृष्ण गीता में कहते हैं तत्प्रसादात पराम शांति। जीवन में तभी शांति मिल सकती है जब भगवत कृपा हो, जब भगवत प्राप्ति हो तभी शांति मिल सकती। लेकिन भगवत प्राप्ति होगा कैसे? जब तक भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक भगवत कृपा हो ही नहीं सकती है। इसलिए यहाँ नारद जी आ गए तो कहते, भैया हम यज्ञ करने का फल मिल गया हमें। इसका मतलब जीवन में अगर हमें शुद्ध भक्तों का दर्शन मिल जाए, समझना भगवान बहुत जल्दी जल्दी भगवान मिल गए। इसलिए जब उनको साथ में हनुमान की विभीषण साथ में साक्षात्कार हुई ना, श्री हनुमान श्री विभीषण ने कहा, देख हनुमान मैं तेरे लिए एक काम करता हूँ, तू मेरे लिए एक काम कर लेना। बोले बताओ। बोले मेरे पास में माँ, तेरे पास में बाप। कहते मेरे पास में माँ है, कौन है? सीता माता। सीता माता जी अशोक वाटिका में। तेरे पास में बाप है, कौन है? रामचंद्र। कहते मैं माँ से मिला देता हूँ और तेरा काम होगा बाप से मेरे को मिला देना। और माँ बाप का मिलन हो गया तो काम बनी जाएगी। इसलिए जाओ अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन करना। गए उसका इन्होंने अपना काम करा दिया विभीषण, अभी हनुमान जी का काम रह गया। अभी हनुमान जिस समय विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, देख हम पुलस्त्र ऋषि के वंशधर है, हमारी कर्तव्य नहीं पराय स्त्रियों को उठाकर ले जाना, ये हमारी कर्तव्य नहीं, ये जगदम्बा जगजननी। उसको वापस देकर क्या रावण उसको लात मारकर भगा दिया। जब भगा दिया उसने राम की शरण में आए। जब राम की शरण में आए इतने में बंदर लोगों ने पूछा, भैया तेरा परिचय क्या है? बोले राम से मिलना चाहते। बोले परिचय क्या? बोले रावण का छोटे भैया, उसको तो रस्सी से बांध बूंद करके लेकर के आए। हनुमान तो आश्चर्य में पड़ गया। विभीषण कहा था बाप से मिलाऊंगा, ये तो मेरे को रस्सी में बांध बूंद करके लेकर के आए। जब वहां पर आए देखा हनुमान जी बैठा हुआ। हनुमान जी बोले तुम कैसे? बोले एकदम बात मत करो, मैं तेरे को माँ से मिलाया था, तुमने बताया था बाप से मिलाओगे, देख ये बंदर मेरे को कैसे बांध करके लाए रस्सी में। हनुमान बताया तुमने अपना परिचय क्या दिया था? बोले रावण का छोटे भैया। बोले तभी तो तेरे को बांध करके लाए कि तू उनका शत्रु है ना, अगर उनका शत्रु का तुम परिचय दोगे तो तेरे को तो बांध करके लाएंगे। हाँ, अगर तुम ये परिचय देता हनुमान का मैं मित्र हूँ, हनुमान का मित्र हूँ, तेरे को तो स्वागत करके ले जाते। इसका मतलब इस क्या देते हैं, अगर हमने ये परिचय दे तुम कौन है वाला, हम ये है, हमारा नाम ये है। बोले भैया तेरे को बांध बूंद कर ले जाएंगे अगर तुम परिचय दोगे। इसलिए हमारे वैष्णव लोग परिचय देते हैं, दासानु दास भवितास में भू तोद भृत्य 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 भृत्य। तुम कौन हो?
बोले हम भगवान की दास नहीं, भगवान का दासों का दासों का दासों का हम दास है। अगर ये परिचय दो ना, सीधा तुम्हारे भगवत दर्शन हो जाएगा, ठाकुर का दर्शन कर लोगे। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, जीवन में वैष्णव दर्शन भक्त दर्शन बड़ा भाग्य से होता है। इसलिए बाबा अपवर्ग भ्रमेत जता जन्य तहिर अच्युत सत समागम। साधु दर्शन कब मिलता है? जब संसार का सारे दुख खत्म हो गया तुम्हारे, और ये संसार में भटकना नहीं तुम्हें, अभी भगवत चरण प्राप्ति का समय हो गया। बोले तहिर अच्युत सत समागम, और सत समागम जहीर, जब तुम्हें भक्तों का दर्शन मिलता है। बोले परा भरे से जाए तो रती, फिर तो प्रथम भक्त संतन करी संगा, दूसरी भक्ति तत कथा प्रसंगा। हैं, जब भक्तों का संग करके हरि कथा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे तो ठाकुर के प्रति हमारी अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज श्री नारद जी को प्रश्न करते हैं, प्रभु जीवन में शांति कैसे मिलेगा, जीवन में शांति सुख कैसे मिलेगा। इसलिए हम जो कुछ करते हैं इसका एक उद्देश्य है, जीवन में हमें शांति सुख कैसे मिले। इसलिए उन्होंने यही प्रश्न की, जीवन में शांति कैसे मिले। अगर हमारे पास में बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं, वो पैसा की बेकार है। हमारे पास बहुत बड़ा नौकरी है लेकिन शांति नहीं, तो नौकरी भी बेकार है। हमारे पास में पुत्र परिवार दुकान मकान सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, तो वो बेकार है। लेकिन अगर सुख है तो रोटी में सुख शांति मिले ना, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जगत में सबसे अनमोल वस्तु है जीवन में शांति है, जीवन में शांति कैसे मिले। इसलिए इनका यही प्रश्न है, जीवन में हमें शांति कैसे मिले। उनने बहुत कुछ बात इसका उत्तर में उनने बहुत कुछ बात बताए। बोले अशांति का मूल कारण है कृष्ण भूले से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। ये जितने दुख एक ही कारण है, हम भगवान को भूल गए। इसलिए भगवान बहिरंगा माया ने ये संसार भी कारागार में हमें डाल दिया है, संसार भी कारागार में डाल दिया। फिर क्या करनी चाहिए? फिर भगवान के चरण में माफी मांग करके फिर भगवान की भक्ति अगर करना शुरू कर दोगे, सारे दुख कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। दुख कष्ट दूर करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की भक्ति करना शुरू करो, अपने आप तुम्हारे दुख कष्ट समस्त दूर हो जाएगा। बोले भैया भक्ति तो बड़ी कठिन है। कहते नहीं भैया, भक्ति सबसे सरल है, सबसे सरल है। तब उदाहरण दिया है, हम जीवन में जो कुछ करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं। काय मतलब शरीर, वाक्य और मन से करते हैं। जो कुछ संसार के लिए करते हो वही चीज भगवान के लिए करना शुरू कर दो, बस भक्ति हो गया। भक्ति और कोई कोई कठिन चीज नहीं है। जो कुछ दुनिया के लिए करते हैं वही काम करना, कुछ बदलाना नहीं। लेकिन वो सब कुछ क्या किसके लिए करने चाहिए? भगवान के लिए कर दो, बस यही भक्ति है। रसोई रोज बनाते हो, रसोई रोज बनाते हो किस लिए? बोले हम खाएंगे नहीं, ठाकुर को प्रसाद लेंगे, बस भक्ति हो गई। पैसा कमाते हो, बोले क्यों? मेरे लिए, बच्चों के लिए, ये माया है। नहीं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? ठाकुर की सेवा के लिए। सुंदर घर बनाओ, बोले क्यों? बोले भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की मंदिर है। रोज घर में झाड़ू लगाते हो, बोले कहाँ लगाते हो? बोले अपना घर में। बोले नहीं, ठाकुर जी की मंदिर में। बस भक्ति यही, और कुछ भक्ति कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है। जो कुछ दुनिया के लिए करते हो उसको केवल भावना बदला दो, बस यही भक्ति हो जाएगी, यही भक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहते हैं, लास्ट में कहते हैं क्या करनी चाहिए? बोले कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही परा। कलिजुग में जो भगवान, कलिजुग में महाप्रभु कहते हैं मैं दो रूप में ये कलिजुग में आया हूँ, दो रूप में। बोले क्या? एक तो अपना नाम रूप में, दूसरा है अर्चा विग्रह, जो ठाकुर जी का स्वरूप रूप में, और एक हरि नाम रूप में। महाप्रभु कहते बोले माँ कलिजुग में ये दो रूप में मैं अवतरण होगा। अब विशेष करके कलिजुग में भगवान का नाम की विशेष महत्व है, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। लेकिन तब लास्ट में कहते हैं बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग द्रुत चीत उच्च। हाँ देखो, यहाँ पर कहते हैं जीवन का व्रत क्या बनानी चाहिए। बोले जीवन का व्रत बनानी चाहिए भगवान नाम, ठाकुर का नाम को ही जीवन का व्रत बना दो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने की वा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण
बोला बदने, सोते उठते बैठते खाते चलते क्या करो, भगवान की नाम लो, हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान करके, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। बस कहते एवं व्रत, यही हरि नाम को जीवन का व्रत बना दो। बोले कौन सा नाम को? बोले सो प्रिय नाम कृत्वा, अपना प्रिय नाम को। हमारा प्रिय नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारी प्रिय नाम है, हैं? ये नाम का जीवन का व्रत बना दो। लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या है? बोले भगवान नाम तो मधुरम मधुर मिथत मंगलम मंगला नाम, ठाकुर का नाम मीठे से मीठा मंगल से मंगल। लेकिन अभी ठाकुर का नाम हमें प्रीति नहीं लगता है, ठाकुर का नाम हमें अच्छी नहीं लगती है। दुनिया चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती है। देखो सीरियल खोल कर बढ़िया तीन तीन घंटा बैठ बैठ कर देख लेंगे। बोले भैया 5 मिनट हरिनाम कर मन ही नहीं लगेगा, है तब। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मिश्री खाने में, आप लोग मिश्री खाए कि नहीं? मिश्री बताओ तो मीठा कितना कड़वी है? मीठा। लेकिन किसी किसको मिश्री भी कड़वी लगती है, बता सकते हो मिश्री किसको कड़वी लगेगी? जिसको जंडिस की बीमारी हो जाए, पीलिया की बीमारी हो जाए, उसको मिश्री मीठा नहीं लगेगी, है उसको कड़वी लगेगी कि उसको बीमारी है। उसी तरह हमें भी एक बीमारी हो गई है, ये पाप का अनर्थ का बीमारी। हमारे अंदर बहुत सारी पाप है, ये पाप होने का नाते ठाकुर का नाम हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन डॉक्टर लोग पहले क्या बोलते थे? बोले देख मिश्री तो मीठा, लेकिन तेरे को मीठा नहीं लगा, लेकिन लगी कड़वी, लेकिन छोड़ना नहीं, मिश्री को चूसते रहना। चूसते 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 जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर मिश्री मीठा लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गई, बीमारी सही हो गई है। तो उसी तरह भगवान का नाम हमें अच्छे नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्ती करो, बैठ करके माला लेकर के माला जोर जबरदस्ती करो। जितने हरि नाम करते जाओगे क्या होगा? उतना तुम्हारी पाप तुम्हारी नष्ट होती जाएगी, पाप तुम्हारी नष्ट होती जाएगी। और जितने तुम्हारी पाप नष्ट होती जाएगी उतना ठाकुर का नाम अच्छी लगने लग जाएगी। जब अच्छी लगेगी फिर क्या होगा? बोले द्रुत चित उच्च ही, ठाकुर का नाम लेने से अपने आप हृदय तुम्हारी पिघलने लग जाएगी, आंखों से आंसू झरने लग जाएगी, हैं? जब हृदय ऐसे होने लग जाए फिर क्या होगा? बोले हसत त्याता, कभी कभी हा 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 कर हंसने लग जाते। बोले हंसते हैं क्यों? बोले भगवान का नाम ही ये नामी रूप में परिवर्तन हो जाता है, यही नाम ही एक दिन स्वयं ठाकुर जी रूप में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उसके हृदय में भगवान की सारी लीला धीरे धीरे उसके हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती की सुंदर कथा सुनाते, क्यों हंसता है? बोले उसका हृदय में ठाकुर जी की लीला प्रकट हो। बोले कौन सा लीला प्रकट हुई? बोले एक समय ये ब्रज की गोपियां मैया जसोदा से रोज रोज शिकायत करती हैं, तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करती है। मैया बोली भैया मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे घर में क्या कमी है और मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करेगा? बोले एक बार रंगे हाथों से पकड़ा कर दिखा दो, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं। बोले ठीक है। एक समय एक गोपी सुंदर मटकी में मक्खन धर दी और घर के कोने में बैठी गई, आज कन्या को पकड़ूंगी, हैं? कन्या तो भाग जाते हैं, आज पकड़ करके बांध करके ना कृष्ण को अच्छे तरह से निहारूंगी। कि कृष्ण आते हैं मक्खन खाकर चले जाते हैं, वो मक्खन क्यों बनाते? कृष्ण के लिए बनाते हैं, बनाते हैं कृष्ण के लिए। दुनिया का जो मालिक मक्खन क्यों चोरी करेगा? दुनिया तो उसी का चोरी करेगा क्यों, हैं? इसलिए वो गोपी छुप करके बैठी, कृष्ण धीरे 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 आए और मक्खन खाना शुरू कर दी। वो गोपी सोच रही कन्या मक्खन खा ले फिर तो मैं पकड़ूंगी। जब कृष्ण मक्खन खा लिए गोपी झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे आज? आज तो तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा, तेरे पाप पड़ता हूँ, तेरे खसम की तेरे तेवर की तेरे बिछुआ की पाप पड़ता हूँ, छोड़ दे। मैं तो सोच रहा था अपना घर ही मक्खन खा रहा था, अपना घर में खा रहा था, अभी मजा चकाती हूँ। मैया मानती नहीं, चल अभी कृष्ण को ले गई। बोले खंभे में हाथ रख, कृष्ण खंभे में हाथ रखे, अपना छोटी से रिबन को निकाली, पिता को कृष्ण को बांधने के लिए जाए तो प्रभु का हाथ तो मक्खन से भी कोमल है, बांधने के लिए तो खिसक जाए खिसक जाए। कृष्ण कहते गोपी कभी तुमने जिंदगी में बदी गई कि नहीं?
हैं? नहीं। बोले जब तो खुद बंध ही नहीं जाओगे फिर बांधो कैसे? बोले कन्या तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या, मैं बढ़िया से बांधना जानता हूँ। बोले सिखा दे। बोले खंभे में हाथ रख, सिखाता हूँ। ओ गोपी हाथ रखी, कृष्ण एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ, गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम में बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े जोगियों को, बोले आत्मा रामस्तमने हो, आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे व्यक्ति, जो ब्रह्म में डूबे रहने वाले व्यक्तियों को भी कुर्बन अहित की भक्ति, मेरी प्रेम ऐसे उनको भी पागल बना देता हूँ, तुम्हारी बात छोड़ दे। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तुमने किसको खोलना सिखाई? मैं तो केवल बांधना ही सीखा, अंगूठा दिखाई, कृष्ण भाग दे। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं उसके हृदय में ना भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी लीला प्रकट होने लग जाती है। ऐसे ही गोपी शिकायत करती, मैया बोले तो मैं नहीं मानती हूँ, दिखा दो। बोले कल ही दिखा दूंगी। पास एक गोपी कृष्ण को पकड़ ली। बोले मैया के पास में जा। कृष्ण बहुत बोले आज छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा। बोले नहीं, अभी लेकर के आई। आकर के देखा सामने तो नंद बाबा बैठे हुए, वो जेठ लगते हैं, पहले जेठ को पर्दा करते थे। बोले पीछे दरवाजा से मैया को दिखा दूंगी। इतने में उसने अपना पर्दा निकाल दी, कृष्ण को ऊपर में कपड़े से ढक दी, ढक करके पीछे दरवाजा से आई। मैया जसोदे तू मानती नहीं, तेरे लाला मक्खन चोरी करती है, आज तो रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाई। मैया उस समय कृष्ण को पलकों पर थपथपी लगा सुला रही थी। कृष्ण भगवान है ना, वो ठगते ही ना कृष्ण उसका बेटे ही बन गए हैं। इतने में मैया आई। बोले क्या बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे बच्चे को मैंने पकड़ करके लाई हूँ रंगे हाथों से। बोले क्या बाबरी बन गई, मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है। बोले सो रहा है क्या, पकड़ कर लाई। इतने में वो गोपी घूंघटा खोली और कृष्ण को ऊपर कपड़े ढक दी ना, जब कपड़ा खोला ना देखा अपना बेटा, वो अपना बेटा देखा। बोले बोले तू कहां से आ गया? बोले तुमने तो घर से मेरे को पकड़ करके लाई। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, आंख को मलते मलते आई। बोले मैया देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं घर छोड़कर कभी जाता ही नहीं, अगर ऐसे झूठ बोलेगी ना रोज रोज इसके घर में मक्खन चोरी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इतने में मैया बोले खबरदार आइंदा में भविष्य में कभी ऐसे झूठ नहीं बोलना, मेरे लाला कहीं नहीं जाता, और झूठ मटू का अपना बेटे को पकड़ करके मेरे बेटे को बोले चोर बना करके लाई हो। वो गोपियां इतना शर्मिंदा में पड़ गई, बड़ी लज्जित होकर जब जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने समझाई, छोड़ दे छोड़ दे, तेरे पति को चरण में गिरा, तेरे चरण में सांस की ननद की, सुनी नहीं ना, देखा अपना बेटे को चोर बना दिया, भविष्य में कभी दो बार चोर बना कर लाओगे ना तेरे खसम को चोर बना दूंगा, तेरे पति को ही चोर बना दूंगा। गोपी कहती कन्हैया और कभी तेरे को मैं नहीं लाऊंगा, कभी तेरे को मैं लाऊंगी नहीं। इसलिए उसके हृदय में भगवत लीला सब जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, उसका हृदय में प्रकट होने लग जाती है। इसलिए तो कभी हंसते हैं। बोले रोते हैं क्यों? बोले इसलिए रोते हैं कृष्ण जब फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं दुखी होकर के, कभी नृत्य थे कभी नाचते हैं। बोले नाचते क्यों? जब फिर कृष्ण उनके विरह से फिर प्रकट होते हैं, देख करके हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाते हैं। इसलिए लोक बाज्य सारा दुनिया की है मान अपमान को छोड़ करके कृष्ण लीला में संपूर्ण रूप में डूब जाती है, दुनिया की कोई हुदबुद नहीं रहती। बोले कैसे होगा? बोले केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से होगा। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम हमें जप करनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हरे कृष्णा, कृष्णा। महाराज जी ने बहुत मीठा खिला दिया, थोड़ा नमकीन खाना पड़ेगा। हमारे एक गुरुवर्ग शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हुए हैं, बड़ा सुंदर विचार देते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं जगत में तीन वस्तु दुर्लभ है, महाराज जी भी बता रहे थे ना, दुर्लभ बताया, दुर्लभम त्रयम एव एतद् देव अनुग्रह हेतुकम। इस जगत में तीन वस्तु ऐसी दुर्लभ है जो केवल देव अनुग्रह हेतुकम, यानी कि वो केवल कृपा से मिलेगी। किसकी कृपा से? कृष्ण देव की कृपा से मिलेगी।
तो बताया ऐसी कौन सी तीन वस्तु है जो केवल भगवान कृष्ण की कृपा से मिलती है, अपने प्रयास से मिलेगी नहीं, उसमें मुख्य भगवान कृष्ण की कृपा। तो बताया ये जो तीन चीजें हैं इसका स्तर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जैसे सोना चांदी और कोहिनूर, सबसे दुर्लभ क्या है कोहिनूर, उससे कम सोना फिर चांदी। तो उसी प्रकार से तीन वस्तु कौन सी दुर्लभ बताई, सबसे पहले बताया मनुष्यत्वम यानी कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना, फिर उससे भी दुर्लभ क्या है बताओ, नहीं उससे दुर्लभ, उससे सेकंड मुमुक्षुतम, मनुष्यतम मुमुक्षुतम, मुमुक्षुतम मतलब होता है हृदय में मुक्ति की कामना होना कि मैं मरना नहीं चाहता, सब लोग मर रहे हैं तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं मुक्त हो जाऊं संसार के जन्म मृत्यु से, ये कामना सबके हृदय में नहीं होती, ये बहुत कोई ऐसा सौभाग्यवान होता है जिसके हृदय में कामना आती है कि मुझे इस संसार के दुर्ग से बचना है, इस संसार की जन्म मृत्यु से बचना है। तो हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा आना या फिर हृदय में मुक्ति की इच्छा आना ये सेकंड दुर्लभ बताया। जैसे देखो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, तो ज्योतिषी से सब लोग क्या पूछते हैं, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, बच्चा होगा या नहीं होगा, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, सारी यही चीजें पूछते हैं। भाई वो तो हर जन्म में हुए आगे भी हो जाएगा, क्या कोई कोई ज्योतिषी से ये पूछता है? मेरे साथ एक मेरे पास एक बड़ी व्यक्ति आया, हम तो वैसे हाथ देखते नहीं है, उसने बोला पंडित जी हाथ देखो, मैंने कहा हम देखते नहीं है, पीछे पड़ गया। तो मैंने ना बहुत गहराई से देखा, मेरे को देखना नहीं आता था, मैं ऐसे ही देखता रहा। कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा बहुत बड़ी समस्या है। कह रहे क्या समस्या है, शादी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं वो तो हो जाएगी लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। क्या शादी का बच्चा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं बच्चा भी हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। क्या बच्चा मर जाएगा, मैंने कहा नहीं बच्चा भी अच्छी शादी हो जाएगी बच्चे की लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, मैंने कहा प्रभु जी आपके हाथ में मृत्यु लिखी है। तो कह रहे कि इसको उपाय बताओ, मैंने कहा शादी को उपाय बताऊं या मृत्यु को उपाय बताऊं। कह रहे शादी को छोड़ो प्रभु, पहले मृत्यु को उपाय बताओ, मृत्यु से तो बचाओ। तो इस जगत में मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन क्या कोई ज्योतिषी के पास जाके पूछता है कि मृत्यु को उपाय बताओ, कभी पूछा? कैसे भगवान मिलेंगे इसका उपाय पूछा? ये हम पूछते ही नहीं है, संसार की नश्वर वस्तु ही मांगते रहते हैं। तो हृदय में मुक्ति की कामना आना ये सेकंड दुर्लभ वस्तु कि मेरे को मरना नहीं है, कैसे मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। फिर उसके बाद तीसरा बताया महत पुरुष संशय, जो महान पुरुष है उन भक्तों के संग की प्राप्ति हो जाना। तो ये तीन वस्तु दुर्लभ है। अगर मानो भक्तों संग तो सबको मिलता है, लेकिन जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है उसी को तो भक्त संग से लाभ होता है, वरना बाकी लोगों को क्या होता है कि ठीक है हमें धन मिल जाए ये मिल जाए। तो ये तीन चीजें सबसे दुर्लभ बताई। आगे हमारे भक्त लोग फिर क्या समझाते हैं, हमें शीला प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि देखो ये जो जगत है, जिस जगत में अभी हम रह रहे हैं, ये जो जगत है श्रीमद् भागवत में बताया ये जगत कैसा है, ये जगत है जीवो जीवस्य जीवनम। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता है, बिना शोषण के जगत चल ही नहीं सकता। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी प्लांट्स में लाइफ होती है नहीं होती, प्लांट्स में भी लाइफ होती है। या मानो हम रिक्शा करते हैं, जब हम रिक्शा करते हैं हम रिक्शे वाले को बोलते हैं हम देखो 20 रुपए देंगे, क्या हम उसको 20 रुपए ऐसे दे देते हैं? उस समय क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं। घर पे कोई काम करने वाला आता है या काम करने वाली आती है, पूरा महीना हम उसका शोषण करते हैं, तब हम उसको कुछ हाथ में सैलरी देते हैं। और हमारे पास सैलरी कहां से आती है, हम भी तो कहीं जाके शोषण करवाते ही अपना, तभी तो जाके हमें सैलरी मिलती है। तो भाई जब हमें शोषण करने के बाद पैसा मिला तो क्या हम ऐसे बांट देंगे, हम भी किसी का शोषण करेंगे फिर धन देंगे। तो ये जगत ऐसा है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता है और उसका भी होता है, तभी ये जगत चलता है। क्या आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी बता सकते हो जहां पे शोषण नहीं होता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये संसार ही ऐसा बना है। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को क्या होता है, बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं। अभी भी तुम्हारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है वायरस है उसके साथ फाइट करते हैं, अभी भी तो शोषण हो ही रहा है। तो ये पूरा जगत बना है शोषण से। लेकिन आप बताओ क्या इस कोई भी व्यक्ति सुखी हो सकता है अगर उसको शोषण होगा? कभी सुखी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इस संसार में सुख क्या है, जब कोई हमारा शोषण करते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं, फिर पैसा मिलता है फिर हम किसी और का शोषण करते हैं हम सुखी हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है 20-25 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन जब हाथ में पैसा आता है बड़ा खुश हो जाता है, क्यों? अब मैं दूसरे का शोषण करूंगा, 25,000 रुपए आ गए, होता नहीं होता। लेकिन हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं जो जेंटलमैन होगा, जेंटलमैन यानी कि सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति क्या कभी किसी का शोषण करेगा?
ना करेगा ना होने देगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस वर्ल्ड, ये जो भौतिक जगत है ये बना है इस जीवो जीवस्य जीवनम से, इसलिए जो सभ्य व्यक्ति होगा वो इस जगत में नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस टू लिव फॉर जेंटलमैन। सभ्य व्यक्तियों के लिए संसार बना ही नहीं है, तो फिर कौन सा संसार है? उसी को हमें हमारे वैष्णव लोग उसका दिग्दर्शन कराते हैं। जैसे महाराज जी भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं सुना रहे थे, एक और जगत भी है। वो जो जगत है वो कैसा है? वहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई दुख ही नहीं है, वहां पे कोई शोक ही नहीं है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, काफी समय के बाद आज राजस्थान पत्रिका पढ़ा। अखबार वैसे पढ़ना होता नहीं है, 4-5 महीने के बाद आज पढ़ा, और वो भी फिजिकल नहीं, ई कॉपी पढ़ा, ई कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो जब उस हमने ना कुछ जयपुर में एक जगह लिया, स्थान लिया अपने मठ के लिए, तो आज किसी भक्त ने आके बोला आपने इतना जल्दी स्थान क्यों ले लिया, अभी तो प्रॉपर्टी के रेट सरकार कम करने वाली है। तो मैंने कहा चलो अखबार में देखते हैं ऐसा कुछ आर्टिकल है या नहीं है। तो जब अखबार को पेजेस आगे करना शुरू किया तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना न्यूज़पेपर में। आप लोग बताओ अखबार पढ़ते हो? रोज ही पढ़ते हो के प्राय, है ना? आज सुबह सुबह आके कल की पुराण घर पे आ जाता है। हमने अखबार का नाम दिया कल की पुराण। अच्छा चलो फिर वो उसको भी हटाई दो फिर। तो अभी अखबार में बताओ सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किस चीज की होती है, देखता हूँ कौन बताएगा। अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किस चीज का आता है? मैंने इस चीज को आज ही नोट किया। नहीं, जो जीतेगा उसको एक फर्स्ट प्राइस देंगे हम। प्राइस क्या देंगे भी सुन लो, उसको हम बोलेंगे 16 माला बैठ के करो। अब वो कि पनिशमेंट दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, ये प्राइस है। हाँ, इन्होंने बोला तीये की बैठक। किसने बोला? इन्होंने बोला, तो भक्त हैं, तीये की बैठक। मैंने उसका 20 पेजेस का अखबार होता है, करते करते ना बीच बीच में कुछ का एडवर्टाइजमेंट होता है। 11 या 12 पेज नंबर आया तो उसमें सॉरी एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा ये क्या है, थोड़ा जूम करके देखा, मोबाइल छोटा है, तो सारी तीये की बैठक। ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसका है? तीये की बैठक की। कौन किसने अपने शरीर को त्यागा? तो इस जगत में अगर इस भौतिक संसार में देखिए, जो हम सांस लेते हैं, सांस का बहुत मूल्य। अगर इस सांस का मूल्य करना चाहते हो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है? छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सब लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने के बाद अभी अपने नाक को पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है। माता जी ने तो लेती छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। एक सेकंड के लिए लंबी सांस ले लो और फिर नाक को पकड़ के रखो, उसके बाद छोड़ भी देना। बोले पकड़ के रखो तो पकड़ के रख दो, जयराम जी की वजह नहीं। जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करो। लंबी सांस लेने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड जितना होल्ड कर सकते हो करो। फिर एक प्रश्न पूछूंगा बाद में, जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड ही होगा, ठीक है? उसके बाद जब 20 सेकंड होल्ड करते हो और जैसे ही एकदम सांस छोड़ते हो, उस समय मन में किस चीज का चिंतन होता है? जब हमारी सांस रुक जाती है किस चीज का चिंतन होता है? कभी लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, किस चीज का चिंतन होता है? नहीं, चिंतन किस चीज का होता है ये बताओ। धन का चिंतन होता है? शादी नहीं हो रही उसका चिंतन होता है? बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई करानी है, उसका चिंतन होता है? किसी चीज का चिंतन नहीं होता। किसका चिंतन होता है? सांस का चिंतन होता है ना? तो सबसे मूल्य वस्तु क्या हुई अगर देखा जाए हमारे लिए? सांस। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके क्या बोलता है? ऐसे में हॉस्पिटल में कितने लोग होंगे, शरीर को त्याग दिया होगा। डॉक्टर को क्या बोलता है मरते हुए? डॉक्टर मुझे कल सुबह का सूरज दिखा दे, मैं मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है इस जगत में? इस जगत में कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको पड़ता है। तो ये सांस बहुत कीमती है, और हम इस सांसों को कैसे गवा देते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, दुनिया भर की बातें। इतनी कीमती वस्तु जो हमें सांस मिली है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कोई सांस की कीमत लगा सकता है? सांस का कोई कीमत नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति डॉक्टर को बोलता है भाई सारे पूरा जीवन का कमाई ले ले, कल सुबह का सूरज दिखा दे, एक रात और जीवित रख दे। डॉक्टर बोलता है संभव नहीं है। तो ये जो इतना मूल्य वस्तु जो भगवान ने दिया, इसको अगर सौदा करना है, सौदा करना मतलब समझते हो, जैसे अगर मेरे पास एक फोन है तो उस फोन को मैं जितना कीमत है उतने में तो बेचूंगा, और या उससे ज्यादा में बेचूंगा। कम में बेचूंगा तो मैं क्या खिलाऊंगा? भाई मूर्ख है, इतनी महंगी चीज सस्ते में क्यों बेच दी? तो सांस को अगर एक्सचेंज करना है तो भगवान के नाम से करो। समझ में आ रही है कि जो हमारी एक एक सांस है वो भगवान के नाम से ही एक्सचेंज हो, तब तो हमारा सांस लेना उसका वैल्यूएबल है। नहीं तो हमारी सांस कैसी है? श्रीमद् भागवत में बताया कि जो लोहे की फुखार होती है वो भी तो सांस लेती है। लोहे का जो वो लोहार होता है उसकी भी तो सांस होती है। तरवा किम्न जीवंती,
क्या पेड़ नहीं जीते? पेड़ भी जीते हैं। भस्रा किम न श्वसंती होता, लोही का जो भस्रा होता है वो भी श्वास लेता है। ना खादंती ना मेहंती किम गाम पशु परे, जो गांव के जो पशु है क्या वो खाते नहीं है? क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी करते हैं। तो हमारी जो सांस है, नाम करते करते एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हमारी सांस में ही भगवान का नाम आ जाए। जैसे अभी हमने सांस, हम जब छोड़ नहीं रहे थे तो हमें सांस की याद आ रही थी, कृष्ण की याद क्यों नहीं आई? ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमें कृष्ण की ही याद आए। हमें जो सांस अंदर बैठ के जोड़ते हैं वो कौन है? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, प्राण अपान समयुक्त पचामी अन्नम चतुर्विदम, मैं ही अंदर बैठ के सारी सांस जोड़ता हूँ। जो हम अंदर छोड़ते हैं बाहर लेते हैं, क्या हम खुद सांस लेते हैं? हम सांस नहीं लेते, सांस कौन लेता है? भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया, मैं सारी सांसों को जोड़ता हूँ। तो जिसने हमें सांस दी है, क्या उसके लिए हम समय नहीं निकाल सकते? कई बार हम लोग जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, हमें लोग आके टॉन्ट मारते हैं, भाई तुम तो माला कर रहे हो लेकिन हमें अपनी रोजी रोटी नहीं कमानी, हम भी के हाथ में माला लेके बैठ जाए। होता या नहीं होता? ज्यादातर तो संसार में लोग यही ताने मारते हैं ना कि हम खाना कैसे खाएंगे अगर हम माला करेंगे। तो देखो, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। बिना खाने के आप 10 दिन 15 दिन रह सकते हो, बिना पानी के 2 दिन में बंदा फ्लैट हो जाएगा। और पानी से भी इंपॉर्टेंट क्या? हवा, सांस। तो सांस कोई खरीदता है क्या? सांस तो खरीदनी नहीं पड़ती। तो सारी व्यवस्था भगवान बनाते हैं, सारी व्यवस्था भगवान बनाते हैं। इसलिए जो भगवान का नाम है, हमें हमारे वैष्णव लोग बार बार जाके बस एक ही चीज समझाते हैं, भगवान का नाम कर लो, भगवान का नाम कर लो। जब मैं स्टार्टिंग में कथा में जाता था, दिल्ली से हूं मैं, तो सारे वैष्णव लोग बार बार कथा में यही बोलते थे, भगवान का नाम करो, भगवान का नाम करो। तो एक बार मैंने एक प्रभु जी से पूछ लिया, प्रभु आपको कोई कमीशन मिलती है क्या अगर हम नाम करेंगे तो? पीछे बढ़ गए, नाम करो। फिर फोन करके पूछते थे, आज कितनी माला करी? मैंने कहा जितनी भी करी आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, कमीशन मिल रहा है। बोले हाँ, हमें कमीशन भी मिलता है अगर हम किसी को नाम कराते हैं तो। हमें भगवान खैर कमीशन भी देते हैं, वो अलग बात, लेकिन हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं। इस जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पर दुख दुखी, एक होते हैं पर दुख सुखी। इस जगत के लोग कैसे हैं? पर दुख सुखी। दूसरों के दुख को देख के क्या होते हैं? सुखी होते हैं। दूसरों के सुख में क्या होते हैं? दुखी होते हैं। बच्चे आपस में गेम खेलते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हरा दे तो क्या होता है? वो सुखी हो जाता है। इंडिया इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया अगर जीत जाए पाकिस्तान हार जाए तो हम सुखी होते हैं। तो ये जगत ऐसा है पर दुख सुखी, दूसरों के दुख को देख के हम लोग सुखी होते हैं और दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से लेकिन जो वो वाला जगत है वो ऐसा नहीं है, वो पर दुख दुखी है, यानी कि वहां पे दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोल रहे हैं कि जितनी भी जीवात्माएं सबके दुख मुझे दे दो। इस जगत में कोई किसी का दुख लेता है? कोई किसी का दुख नहीं लेता। मानो अगर किसी को कैंसर हो जाए, कोई आके हमें बोले आप हमारा कैंसर ले लो, क्या कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, कोई किसी का दुख नहीं लेता। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस जगत की सारी जीवात्मा को दुख में लेने को तैयार हूं। क्या कोई ऐसा भक्त मिला हमें कभी जो ये बात को बोले? ऐसा तो हमें कभी मिला नहीं। हमें हमारे गुरुवर बोलते थे कि जिन्होंने मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, अगर मुझे अपने एक एक शिष्य को बार बार बचाने के लिए इस जगत में 1000 बारी भी आना पड़े तो मैं भगवत धाम से 1000 बारी भी आऊंगा, अगर मेरा कोई शिष्य नरक चला गया तो वहां पे भी जाके उसको लेके आऊंगा। कोई ऐसा बोल सकता है? कोई भी ऐसा बोलता नहीं है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो होते हैं पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में ही सुखी होते हैं। इसलिए हमें हमारे वैष्णव लोग बताते हैं, अगर अपनी सांसों को वेस्ट मत करो, अभी से ही क्या करना शुरू करो? भगवान का नाम करना शुरू करो कि अंत में भगवान का नाम निकल जाए। जब भी कभी देखना हो ना कि हमारा नाम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, हम आगे प्रोग्रेस कर रहे नहीं कर रहे, यही वाली एक्सरसाइज कर लेना, नाक बंद करना, फिर देखना किसका चिंतन हो रहा है। भगवान का बहुत मुश्किल है, लाख लाख जन्म मुनि यतन कराई, बड़े बड़े योगी मुनि लोग भी लाखों लाखों साल निकाल देते हैं कि अंत में भगवान का नाम आ जाए, आता ही नहीं है। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे बच्चा होता है, बच्चे पढ़ाई कब करना शुरू करते हैं? जब एडमिशन ले लेते हैं तभी है, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे? स्टार्टिंग से तो पढ़ना शुरू करते हैं, बोलो नहीं नहीं जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे? नहीं नहीं, एक साल का एग्जाम है, एक साल का समय खाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, आखिरी में पढ़ लेंगे? नहीं, अगर बच्चा आखिरी में पढ़ेगा फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अभी से ही भगवान का नाम नहीं करेंगे तो क्या हम पास हो पाएंगे? पास नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़ा एग्जाम देना है। जब मैं स्टार्टिंग में भक्ति में आया था तो हमारे दिल्ली में एक प्रभु जी थे, रोहिणी नंदन प्रभु, मैं उनके पास जाना शुरू किया, अभी 2-4 दिन ही हुए थे। तो बोले माला कर रहे हो? मैंने कहा कर तो रहा हूं लेकिन अभी एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा कम कर रहा हूं।
कह रहे मेरा भी एग्जाम है। मैंने कहा आप तो 50 साल के हो गए, आपका कौन सा एग्जाम है? कह रहे हमारा एग्जाम है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डेट शीट नहीं है। हमारी तो फिर भी डेट शीट आती है ना, बच्चों को एग्जाम कब है। मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसकी डेट शीट नहीं होती, आईएसओ आईपीएसओ हर एग्जाम की डेट शीट तो होती है। बोले नहीं हमारा एक ऐसा एग्जाम है उसकी कोई डेट शीट नहीं है, वो कभी भी आ जाता है। मैंने कहा ये बड़ा अजीब एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है? बोले मृत्यु, मृत्यु एग्जाम है या नहीं है? एग्जाम है, उसको पास होने का क्वालिफिकेशन क्या है? अंते नारायण स्मृति, जन्म ला परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। अगर किसी को अंत में भगवान का स्मरण हो गया, श्रीमद् भागवत बोलती है कि उसने मनुष्य जीवन को पास कर दिया, यानी कि वो पास हो गया, वो भगवत धाम को जाएगा। और अगर फेल हो गए तो, फेल हो गए तो क्या होगा? एक साल दो साल नहीं, 84 लाख योनि के बाद जाके फिर ये चांस आएगा। जैसे कई बार हमारी ट्रेन होती है, जब हमारी ट्रेन होती है हम क्या करते हैं, स्टेशन पहले जाते हैं, क्यों? कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। भाई ट्रेन मिस होगी तो क्या हो गया, कल पकड़ लेना ट्रेन, एक दिन ही तो वेस्ट जाएगा। लेकिन तब भी क्या हम एक दिन वेस्ट करते हैं? नहीं, यहाँ पे तो पूरा जीवन ही वेस्ट कर रहे हैं। 84 लाख क्यों नहीं, अगर अंत में नाम नहीं आए तो क्या करेंगे सोचो। इसलिए अभी से ही भगवान का नाम लेना शुरू करो। हमारे गुरु जी बोलते थे जब घर में काम करते हो, रसोई बनाते हो, क्या करो? भगवान का नाम लेते रहो। नहाते हो, धोते हो, घर की सफाई करते हो, क्या करो? भगवान का नाम लेते रहो। यहाँ तक कि गुरुजी बोलते थे जब पति पत्नी आपस में लड़ते हो तब भी कैसे लड़ा करो, भगवान का नाम लेके, नरसिंह देव, वो सामने से बोलेगा नारायण, भगवान का नाम लेके ही लड़ लो। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। अरे यहाँ तक कि गाली दे दो तब भी भगवान का नाम ले लो। कैसे? हमारे एक वैष्णव है वृंदावन में, वो कभी किसी को गाली देनी होती तो पता है क्या बोलते हैं? वरा नंदन। वरा कौन थे? भगवान का अवतार, अवतार था ना वरा, जिसमें सुअर का वो था। किसी को गाली देनी होती है बोलते ना सुअर का बच्चा, तो बोल दिया वरा नंदन, तो भगवान का ही नाम हो गया ना। जैसे जैसे किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहो, खाते पीते लड़ते कैसे भी भगवान का नाम लेते रहो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ